लाइव खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। कन्नौज में वकीलों द्वारा लेखपालों के धरने के दौरान की गई मारपीट से आक्रोशित पूरे उत्तर प्रदेश में लेखपाल धरने पर बैठ गए हैं। इसी क्रम में हाथरस में भी चौथे दिन भी तहसील परिसर में लेखपालों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। लेखपाल उग्र प्रदर्शन करते हुए लगातार वकीलों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, साथ ही कन्नौज के डीएम एसपी को भी हटाने की मांग की जा रही है। लेखपालों की काम बंद हड़ताल को राजस्व के सभी काम प्रभावित हो रहे हैं। लेखपालों का कहना है कि जब तक वकीलों की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। अगर शासन प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो आंदोलन और उग्र होगा। इस आशय का एक ज्ञापन भी लेखपाल संघ द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया है। जी, ये प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश में जो है धरना चल रहा है। जो कन्नौज में घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक घटना है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में ऐसा हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं और जब तक दोषियों के विरुद्ध गिरफ्तारी नहीं हो जाती उनकी, एक तरफ शासन प्रशासन हमें रीढ़ की हड्डी बताता है, दूसरी तरफ हम इस तरह पीट करके कार्य करते रहे तो ये सहन शक्ति से बाहर की चीज़ है। और जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कन्नौज को हटाया नहीं जाता है तब तक ये धरना अनवरत जारी रहे। तो ये थी हाथरस से हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए लाइव खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।